बड़ी खबर, पंजाब के कई जिलों में किसानों के द्वारा अपनी लंबित मांगों के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। यह मार्च संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकाला जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो किसान फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। किसानों की मांगे पूरी न होने के विरोध में देश के 37 किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और 3 साल बाद एक बार फिर गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब भर में 100 जगहों समेत देश भर में 500 जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। सुनिए पंजाब के किसानों का क्या कुछ कहना है। आज फिर तो जरा ट्रैक्टर ने ट्रैक्टर परेड करना दे। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं जी, 26 जनवरी का दिहाड़ा है। सारे देश दे विच असीं दिल्ली भी मनाया सीगा और हुण भी मना रहे हैं। दूसरा, सरकारां दा जो रवैया है किसानी मजदूरी प्रति ये माड़ा है, बहुत माड़ा हैगा। ज़्यादा दबाव से लगिया हुई हैं, सो साड़िया पुरानिया मंगा भी बच्चे पईया है। लखीवर खीरी का मसला बिचे लटकता, साडा MSP का मसला लटकता जो साढ़े वादे किए सन। साडा जो बिजली सोध बोर्ड 2020 लटकता है, साढ़े जो परचे दर्ज होए बिचे लटकते हैं। सारा मसले पंजाब दे नाल बहुत सारे मसले लटकते हैं। जो करजा माफ़ी का मसला पंजाब सरकार और सेंटर रिलेटड है, वो बिचे लटकता है। सारा जो स्मार्ट मीटर का मसला लटकता, साढ़े जो इतने हड़ आए सन उन्होंने मसला लड़कता। सो सारे मसले बिचे लड़कते सरकारों को दस रहे हैं कि SCM की ताकत बहुत वड्डी है। यह ना हो दोबारा फिर थोड़े दर से सानू आना पै जाए। और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो जिदा एक रवैया ही खास करके पंजाब के खिलाफ तो मैं कहूँ गलत है। मैं लोगों को भी कहना चाहता, इलेक्शन आ रहा है, इन्हों सू इस तरह भी धरने रहे भी और इलेक्शन के सबक सिखाना चाहिए। जे दोबारा भारतीय जनता पार्टी साढ़े आ जाती है तो खास करके पंजाब को खत्म कर देगी, वैसे तो सारे देश में खत्म करने लगी हुई है।